क्लास थर्ड. ओके, टुडे आई स्टार्ट योर एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर. सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज वर्क इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. बेटे यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट उसका ऑप्शन चूज करके यहाँ फिट करना है. प्लांट्स अब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू. प्लांट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से. किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स के. लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर बॉर्न. लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के किसके द्वारा किस पर आते हैं? स्टेम पर. फूड इज प्रिपेयर फॉर द प्लांट. फूड बनाया जाता है प्लांट पर किसके द्वारा? स्टेम के. अ डैश हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. किसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है? सीड के. ऑल पासिस थ्रू. जो भी कुछ पास होना होता है वो एयर जो पास होती है वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के. अब है टेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर पे करना है. द फंक्शन ऑफ स्टेम. फंक्शन क्या होता है स्टेम का? वो तो आपको पता ही है, वाटर न्यूट्रिएंट और फूड को प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना. दिस प्लांट हैज ट्रैप रूट. टैप रूट होता है इस प्लांट का. किस में? बीन्स में. द रोल ऑफ फ्रूट इज. फ्रूट का रोल क्या होता है? प्रोटेक्ट द सीड. अ बर्ड ग्रोज इनटू. अ बर्ड बड़े होकर क्या बनती है? फ्ला. अब यहाँ पे आपको वन वर्ड देना है. फाइन लाइन्स ऑन द लीव्स. लीव्स पे जो फाइन लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? वेन्स. वेन्स आपको पता है. इट गिव्स ग्रीन कलर. ग्रीन कलर लीव्स को कौन देता है? क्लोरोफिल. इट ग्रोज इनटू अ प्लांट. ये एक प्लांट में बड़े होकर फ्लावर में बदल जाता है बर्ड. इट प्रोटेक्ट द सीड. जो सीड की रक्षा करता है फ्रूट. ओके बेटा, एंड नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइबरस. टैप रूट और फाइबरस में डिफरेंस बताना है. टैप रूट रूट्स जो कि एक मेन रूट होती है, वहाँ से छोटी छोटी और रूट्स निकलती हैं. फाइबरस रूट ये एक गुच्छा होता है, छोटी छोटी थ्रेड होती हैं इसकी, वो वाली रूट को फाइबरस रूट बोलते हैं. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन लीव्स मेक. हरी पत्तियाँ खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए सनलाइट की उपस्थिति और क्लोरोफिल में. पानी यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है. ये सारा प्रोसेस खाना बनाने का जो सनलाइट की उपस्थिति में होता है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ स्टेम्स ये हेडिंग हो जाएगा आपका. द स्टेम बियर्स ब्रांचेस. जो स्टेम है वो बियर करता है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द स्टेम कैरीज. लेता है पानी, न्यूट्रिएंट लेता है रूट्स के थ्रू, प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुँचा देता है. स्टेम खाना भी बनाता है कई बार और दूसरे पार्ट्स में पहुँचा देता है. कुछ प्लांट्स के स्टेम जैसे पोटैटो, शुगर केन है, ये खाना प्रिपेयर करते हैं जो भी प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ लीव्स. ग्रीन लीव्स, ग्रीन पत्तियां जो होती हैं वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए सनलाइट की, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके. जो लीव्स हैं जो खाना बनाती हैं वो क्या करती हैं? हवा को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती हैं और एक्स्ट्रा वाटर को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के क्या फंक्शन है? सबसे मेन फंक्शन है फ्रूट का कि फ्रूट प्रोटेक्ट सीड. वो सीड की रक्षा करता है डेवलपमेंट में. दूसरा, कई बार बर्ड्स और एनिमल्स को जो अट्रैक्ट करता है ताकि वो सीड्स खाएं. अब बात आती है कि अ सीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीड नीड एयर, वाटर एंड वार्म टू ग्रो. एक सीड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लांट बनने में? उसको एयर, वाटर एंड वार्म और गर्मी की ज़रूरत होती है. ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका डायग्राम का पोर्शन है इसमें देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ लेवल फॉलोइंग. एक ड्रॉ करना है एक डायग्राम और लेवल करना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के पार्ट्स ये देखिए बेटा पेज नंबर 51 पर. ये रहा, सॉरी 51, ये रहा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये पूरा डायग्राम आप कलर्ड विद लेवल आप इसका डायग्राम बनाओगे. ये ए वाले का है. बी वाले में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ का बनाना है. पेज नंबर 53 पे देखिए. ये रहा लीफ्स का. ये है ये वाला डायग्राम कलरफुल एंड विद लेवल. लेवल होता है इसके नेम्स बताना, इसके साथ आप ये डायग्राम बनाओगे. ओके बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा.